In processing of checks, which of the following technology is helpful to the banks? सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ चेक का मतलब है एक चेक को जब बैंक क्लियरिंग पे लगाता है, यानी कि या तो वो कस्टमर को कैश देता है या उस चेक को क्लियरिंग पे लगा के किसी के खाते में उसे डालता है, तो क्लियरिंग पे लगाना प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। अभी वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बैंक वाले, वो कर रहे हैं MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये एक चेक है, बैंक चेक है, इस केस में हमने लिया है SBI का, सभी में ये सेम ही होता है लगभग। तो ये जो नंबर लिखा होता है कि एक खास फॉन्ट के अंदर ये जो इंक होती है ये मैग्नेटिक इंक होती है, ठीक है, ये नंबर लिखा होता है। इस नंबर के अंदर काफ़ी सारी जानकारी होती है, चेक का नंबर क्या है या इस अकाउंट नंबर क्या है, बैंक जो ओनर है चेक का उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स होती हैं। तो ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है, इस फॉन्ट के अंदर लिखा होता है। अब इसको ये जो डिवाइस है ये पढ़ पाता है, ये पढ़ पाता है बिना किसी गलती के और तेज़ी से भी। अगर इंसान इसे पढ़ने बैठेगा तो इसे पढ़ेगा और बाद में इसे एंटर भी करेगा कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ये जो डिवाइस है एक साथ में इसे पढ़ भी लेगा और कंप्यूटर के अंदर फास्टली इसे या जल्दी से एंटर भी कर पाएगा। तो अभी जल्दी हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्या फ़ायदा है इसका, अगर मान लीजिए क्लियरिंग के टाइम एक बैंक ऑफिशियल बैंक क्लर्क जो है वो यहाँ पर एक बैंक स्टैंप लगा देता है या सिग्नेचर कर देता है, हो सकता है कर भी दे गलती से, तो इससे क्या होगा, ये एक इंसान के लिए पढ़ने के लायक नहीं रहेगा या इसे पढ़ते समय इंसान गलती कर सकता है, लेकिन ये डिवाइस जो कि एक मैग्नेटिक इंक जो है इसे पढ़ पाएगी आसानी से स्याही के पीछे से भी। दिखने से इसे कोई मतलब नहीं है, इसने सिर्फ स्याही जो मैग्नेटिक है उसे डिटेक्ट करना है और ये नंबर कंप्यूटर में आसानी से डाल देगी, ठीक है। और क्या है, डुप्लीकेट चेक जो बनाते हैं फ्रॉड करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहता है इस फॉन्ट को कॉपी करना, अपने प्रिंटर से प्रिंट करना और एक खास स्याही से प्रिंट करना, ये काफ़ी मुश्किल रहता है, इसीलिए फ्रॉड से हम बच सकते हैं, ठीक है। और फास्ट प्रोसेसिंग मैंने आपको इसका पहले ही बता दिया। तो इसी सब के चलते हुए MICR कोड को बैंकिंग वाले यूज़ करते हैं, बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं OMR के बारे में, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये देखिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यहाँ पर मार्क का मतलब है कोई भी निशान, मैं कोई करेक्टर से या डिजिट से बात नहीं कर रहा। जैसे कि हम पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम देते थे तो उसमें हम गोले फिल करते थे, सर्कल्स फिल करते थे और हमारे रिस्पॉन्स, ये कोई मशीन है इससे पढ़ के कंप्यूटर के अंदर फीड किए जाते थे। तो ये क्या करता है, जो मार्क किए गए हमने कुछ जगह मार्क किया है तो सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज करता है कुछ खास जगह से, इसका कोई मतलब होता है, ये जो आप डॉट्स देख रहे हो ठीक है, तो ये बताते हैं कि कितनी दूरी के बाद दूसरी लाइन शुरू हो रही है और उस पर कितनी दूरी के बाद कोई निशान है, तो उसका मतलब A, B या C होता है। तो इसी तरह से हमारे जो रिस्पॉन्स हमने फिल किए होते थे उन्हें पढ़ पाता था ये कंप्यूटर। उसके बाद देख लेते हैं बार कोड, ये आपने इजी डे वगैरह में देखा होगा, ठीक है। अगर आप कभी शॉपिंग करने गए हो इजी डे में या शॉपिंग मॉल के अंदर, तो आपने कोई भी प्रोडक्ट उठाया, आपने कार्ट में डाला और जब भी आप उसे बाहर लेके गए, ठीक है, जहाँ पर बिलिंग होती है, तो वहाँ पर एक लड़का या लड़की जो भी है उसके हाथ में ये डिवाइस होती है, बार कोड रीडर या QR कोड रीडर। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर इससे एक इंफ्रारेड लाइट डालता है और जो ये नंबर जो है या इसका प्राइस है, वो सारी क्वांटिटी प्राइस इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक फीड हो जाता है और उसकी बिलिंग तैयार हो जाती है। इसे मैन्युअली कुछ नहीं करना होता, ना इसका रेट डालना है, ना क्वांटिटी डालनी है, कुछ नहीं डालना, सारा काम इस रीडर ने करना होता है। तो ये होता है बार कोड रीडर, ये भी क्या करता है, बिना गलती के तेज़ काम करता है, ये भी बिना गलती के तेज़ काम करने के लिए। और फिर है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, अभी बात करें करेक्टर की, OCR और OMR में यही फ़र्क है, ये मार्क को रिकॉग्नाइज करता है कोई भी निशान को, और ये करेक्टर को, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो डिवाइस है इसे कहते हैं OCR, ये इन करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके आपके कंप्यूटर के अंदर फीड कर देगी। आपको टाइप नहीं करना, सिर्फ आपने टेक्स्ट के ऊपर इसे घुमाना है और जो टेक्स्ट है अगर वो उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
अभी इनके सभी के बारे में एक कॉमन चीज़ है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो ये चारों ही इनपुट डिवाइसेस हैं या इनपुट कोड्स हैं। ठीक है, बारकोड ये भी कंप्यूटर के लिए एक इनपुट का काम करता है, ये भी ये सभी इनपुट का काम करते हैं। ठीक है, और एक कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना, ये टेक्नोलॉजी के नाम है। ठीक है, अगर इनके पीछे रीडर वगैरह लगा हो तो वो डिवाइस का नाम हो जाता है, अगर रीडर वगैरह लगा हो तो वो इनपुट डिवाइसेस हैं, नहीं तो ये टेक्नोलॉजीज हैं। क्लियर, अगर डिवाइस या रीडर वगैरह लगा हो तो वो इनपुट डिवाइसेस हैं, नहीं तो ये सभी नाम टेक्नोलॉजीज के हैं, टेक्निक हैं। क्लियर, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज, इस प्रश्न में कह रहा है एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करता है या इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब आपस में एक दूसरे से बात करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो वो कौन सा कंप्यूटर कोड यूज़ करते हैं, वो करते हैं जी ASCII, इसे हम ASCII बोलेंगे, ASCII ASCII, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII कोड यूज़ करता है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है और एक क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है, वो किस तरह से आ सकता है, देखिए मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ए, आपको पूछेगा इसका ASCII कोड क्या है या ASCII में से क्या बोलेंगे, तो ASCII में से अगर हम 65 लिखते हैं तो उसका मतलब है कैपिटल ए, और स्मॉल ए इसमें डिफरेंट माना जाता है, स्मॉल ए के लिए अलग कोड है, 97 है स्मॉल ए के लिए, ऐसे चलते जाएंगे, जब 66 आएगा तो उसका मतलब कैपिटल बी, ऐसे ही 90 तक, 90 का मतलब है जेड, और यहाँ पर 122 तक स्मॉल जेड, 66 का मतलब कैपिटल बी, 67 का मतलब कैपिटल सी, इस तरह से 98 का मतलब स्मॉल बी, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, फुल फॉर्म आ सकती है, दूसरा ये वाला। ऑफ द फॉलोइंग डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, नीचे दिए गए में से कौन सा अलग है, या जिसे प्रश्न आता था ओड वन आउट का, तो ये वही है, तो इसमें से ओड वन आउट कौन है, पहला है विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर है MS Word, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक MS Office के पैकेज के अंदर आता है, एक्सेल ये भी MS Office के पैकेज के अंदर है, पावर पॉइंट ये भी MS Office के पैकेज के अंदर है, देखिए ये अलग से आता है, इसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये MS Office का हिस्सा है, और ये विंडोज़ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से ये विंडोज़ अलग चीज़ है, ठीक है, ये डिफरेंट है, तो इसका आंसर है विंडोज़। अभी विंडोज़ के बारे में जान लेते हैं, विंडोज़ जैसे मैंने आपको बताया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके घर में जो कंप्यूटर है उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें जो आप छू सकते हो, जिन्हें देख सकते हो, जिनका कोई वजन है आप उठा सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो चीज़ें जो इसके अंदर आप मॉनिटर पर देखते हो या स्पीकर के थ्रू सुनते हो, वो कोड जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं आप स्क्रीन के अंदर, तो ये दोनों ही चीज़ें एक कंप्यूटर को चलने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को इंसान के यूज़ के लायक बनाते हैं या हमें यूजेबल बनाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो विंडोज़ के ये कुछ वर्जनस हैं, विंडोज़ 1 कब आई थी, 1985 के अंदर, इसी तरह से 3.1, 95, XP, विंडोज़ Vista, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 2015 से ऑनवर्ड्स अभी 2021 तक विंडोज़ 10 चलती आ रही है, और इसी के हमें लेटेस्ट बिल्ड मिल रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं MS Office या जो इसका टूल है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो MS Office पैकेज है, इसके अंदर MS Word आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है,
और भी दो तीन सॉफ्टवेयर आते हैं, वो इतने ज़रूरी नहीं है। ये तीनों ही हमारे पटवारी, पंजाब पटवारी के सिलेबस के अंदर आने वाले हैं, तो इनके बारे में थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। एमएस ऑफिस के काफ़ी सारे वर्जन आ चुके हैं। जो हमारे यूज़ के लिए था सबसे पहला वो था 95, 95 के बाद आया 97, फिर 2000, फिर एक्सपी, फिर 2003, फिर 2007, फिर 2010, 2013, 2016 और 2019 वर्जन अभी इसका लेटेस्ट चल रहा है। तो बात कर लेते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड के बारे में ये अभी इतना जान लेते हैं कि ये किस तरह की फाइल्स बनाता है हमारे लिए। तो एमएस वर्ड के अंदर हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं, एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जैसे कि चिट्ठी लिखना, कोई बुक लिखना, ये सारे काम इस वर्ड के अंदर हम करते हैं। तो वर्ड जब हमने काम कर लिया तो ये जब फाइल सेव करता है कंप्यूटर के अंदर, अगर हमने कुछ काम किया है तो हमें इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इस फाइल को सेव करते हैं। अब सेव करते हैं तो वो जिस नाम से हम सेव करते हैं तो वो एक्सटेंशन होती है इसकी। अगर मान लीजिए हमने नाम किया ABC, ठीक है, तो जिस नाम से सेव होगी, मान लीजिए DOC नाम से, ये पीछे जो डॉट के बाद जो लगेगा ये उसकी एक्सटेंशन बोलते हैं हम इसे। तो इस एक्सटेंशन से हम इसे सेव करेंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी हम इस पे डबल क्लिक करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड के अंदर ही खुले। और ये कौन बताएगा इसे? ये एक्सटेंशन बताएगा कि ये DOC फाइल है, इसे एक्सटेंशन के अंदर हमने खोलना है। तो इसी तरह से एक एक खास एक्सटेंशन होती है। तो जान लेते हैं वर्ड के बारे में, वेरियस एक्सटेंशंस, वो कौन कौन सी तरह से फाइल को सेव कर सकता है। सबसे पहले जो वर्जन थे हमारे 97 से लेकर 2003 तक, वो फाइल को सेव करने से .doc फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन आए 13, 10, 16, 19, उसने इस फाइल को फॉर्मेट को बदल दिया .docx के अंदर, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन इस तरह से इसको सेव करते हैं। और एक इसमें एक और फॉर्मेट जो है इम्पोर्टेंट है, वो है .docm। अब ये क्या है? M का मतलब है यहाँ पर है मैक्रो से, मैक्रो। मैक्रो क्या चीज़ है? वर्ड के अंदर आप अगर मान लो 10 स्टेप में कोई काम कर रहे हो तो उन 10 स्टेप का आप एक रिकॉर्ड कर सकते हो उन स्टेप्स को। अगर हमने उस मैक्रो को यूज़ किया है, स्टेप्स रिकॉर्ड करे हैं, तो उस फाइल को हम जब भी सेव करेंगे वो .docm फॉर्मेट से सेव होगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं वर्ड की। अगर बात कर लेते हैं एक्सेल की, तो इसी में भी कुछ इस तरह से ही है। XLX ये पुराने वर्जन थे जो सेव करते थे 95 से लेकर 7 तक या 3 से लेकर 7 तक। उसके बाद के जो वर्जन आए उन्होंने XLSX से सेव करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ और भी फॉर्मेट्स हैं जैसे कि XLSM। अब ये क्या है? ये इसी तरह से है, अगर हमने इसमें भी मैक्रो यूज़ किया है तो इस फॉर्मेट का नाम XLSM हो जाएगा। और है एक XLSB। अब ये क्या है? XLSB, अगर इस फाइल को हम एक बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव कर रहे हैं, बाइनरी कोडिंग के अंदर, तो इस तरह से उसे सेव कर सकते हैं। एक और होता है XLTX। जैसे कि हम एक्सेल के अंदर टेम्पलेट्स वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट यानी कि एक ऑलरेडी बना हुआ ढांचा, उसके अंदर हमने सिर्फ डाटा को फिल करना है। अगर उस तरह से हम फाइल को एक बार सेव कर रहे हैं, इन फ्यूचर उसमें डाटा डालेंगे, तो वो XLTX टेम्पलेट फॉर्मेट होती है। इस तरह से पावर पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं। पुराने वर्जन थे जो वो करते थे PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर हम इस पे भी मैक्रो यूज़ कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म और जो फॉर्मेट बन जाएगी PPTM, अगर हमने मैक्रो यूज़ किया है तो, ठीक है। और एक और खास सबसे अच्छी फॉर्मेट इसके अंदर है PPSX। ये फॉर्मेट है अगर आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है और आपने किसी को शेयर करनी है,
आप नहीं चाहते कि वो बंदा उसमें एडिटिंग कर पाए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इस फॉर्मेट में सेव करें पावर पॉइंट शो, ये सिर्फ शो है। इस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी, कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम सेव कर सकते हैं अगर हमने जस्ट शो कराना है, नहीं तो इन फॉर्मेट्स के अंदर या जो नए वर्जन है PPTX तो उनमें एडिटिंग पॉसिबल है। ये पुराने वर्जन के लिए और नए वर्जन के लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बताया कि XLX होता है, ये XLX नहीं, ये पुराने वर्जन के अंदर ये था XLS, इसे आप ठीक कर लेना।